हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज हम बना रहे हैं टिक्का चिकन वाला ब्रेड पॉकेट्स। इसे हमने चिकन में टिक्का फ्लेवर दिया है। इसके लिए हमने चिकन की बोनलेस कर लिया है। जो भी बोन वगैरह है वो हटा कर अच्छी तरह से इसको साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इधर हमने इसे ही लिया है, 450 ग्राम समथिंग है। इसमें हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच नमक डाला है। हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे थोड़ी देर। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला, और ये हंग कर्ड है, 2 टेबल स्पून कर्ड था, उसे मैंने छन्नी पे रख दिया वो है। और ये मख्ते होते नहीं, भुने चने आते, उन्हें मैंने मिक्सी में पीस लिया। 2 बड़े चम्मच वो डाले हैं मैंने इसमें, और 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है जो मेरे चैनल पे अपलोड है। और इसमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डाली हमने, और 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाला है। टिक्के की खासियत ही यही है कि इसमें सरसों का तेल डलता है। बहुत से लोग कच्चा डाल देते हैं, मैंने तो पका हुआ ही डाला है। इसे अच्छी तरह मिलाकर मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रीज़र में नहीं, बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में मैंने रख दिया। और शाम को इफ्तारी के टाइम इसको फ्राई करा था। इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाला था मैंने, 1 चम्मच छोटा सा, और इसको अच्छी तरह मिला दिया। सिरका मुझे बाद में याद आया, तो फ्रिज में रखने से पहले सिरका भी मैंने मिला दिया। इधर हमने सब्जियों को जूलियंस में काट लिया है, प्याज, शिमला मिर्च, ये खीरा है। खीरे को हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, बाद में। और शिमला मिर्च और बंद गोभी, प्याज, टमाटर, इन सबको जूलियंस में काट लिया है। 1/2 प्याज, 1/2 टमाटर, 1/2 शिमला मिर्च, थोड़ा सा बंद गोभी, 1 खीरा हमने काट लिया था। यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करा है, और ये सरसों का ही तेल है। इसमें हमने चिकन के पीस फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। बड़े पीसों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, छोटे छोटे पीस जल्दी गल जाएंगे। इनको अच्छी तरह से कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। इस ब्रेड पॉकेट की खासियत ये है कि आप, हमने इसमें टिक्का फ्लेवर दिया है, तो इससे इसका मज़ा बहुत बढ़ जाता है। इन सब पीसेस को हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से कुरकुरे होने तक, अलट पलट कर। इसमें हमारे 10 से 12 मिनट लग जाएंगे, लो हीट पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं, तो शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। ये देखिए इतना अच्छा कलर आ जाएगा इसका जब ये सिक जाएगा। इसे पहली बार में थोड़ी देर में पलटें, एकदम से ना डालते ही पलटें। इसको 6 मिनट तक पकने दें, फिर पलटें। ये देखिए कैसा सुनहरा क्रिस्पी सा सिका है। इसी तरह से सारे पीस सेक लेंगे हम। किनारे के पीसेस में टाइम लगेगा, उसे थोड़ा और पकने देंगे। हमारे पीसेस फ्राई हो गए खूब, कुरकुरे सब तरफ से अलट पलट कर हमने फ्राई कर लिए हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने एक तो चिकन मैरिनेट भी करके रखा था, छोटे छोटे पीस भी कर लिए थे, इसलिए इसमें 10 से 12 मिनट वो भी लो हीट पर लग रहे हैं। लो से मीडियम हीट पर आपको इतना टाइम लगेगा।
अब हम इसको निकाल लेंगे सब तरफ से जब सुनहरे हो गए। चिकन टिक्का रेडी है। ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए हमने ब्रेड के स्लाइसेस को ले लिया है, इनके किनारों को ट्रिम्स कर दिया है, ब्राउन पोर्शन छुरी से हटा दिया है। इन ब्राउन पोर्शन से पीसेस से हम टुकड़ों से जो है ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इनसे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। मिक्सी में चला लेंगे इनको। ताज़े ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। ये हमारे दो पीस लिए, स्लाइस लिए ब्रेड के, उनको एक के ऊपर एक रखा, फिर बेलन से इन दोनों को बेल दिया ताकि ये एक दूसरे से मिल जाएं। तभी जब ये फ्राई होकर निकलेंगे ना तो फूल जाएंगे, दो हिस्सों में बट जाएंगे। इधर हमने एक गिलास लेकर, उस किनारा स्टील वाला गिलास है जिसमें किनारा होता, उसे रखकर और छुरी से आसपास का पोर्शन काट दिया है। ये हमारा राउंड शेप का पॉकेट मिल गया है। ऐसे ही हम दूसरा पॉकेट भी तैयार कर लेंगे। वही तरीका करा, दोनों स्लाइसेस को रखकर बेलन से बेल लिया और फिर गिलास से काट लिया। अब हम चाकोर बना रहे हैं। इसके लिए हमने एक स्लाइस लिया है और इसको बेलन से अच्छी तरह बेल लिया और फिर तीनों तरफ से इसको पानी से जो है बंद कर दिया। पानी इसमें अच्छा खासा लगाकर बंद करें, नहीं तो आप कॉर्नफ्लोर की सलरी होती है ना घोल, वही जो समोसों में से चिपकाने का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सब तरफ से अच्छी तरह से ये बंद हो जाना चाहिए हमारा। ये हमारी पॉकेट्स तैयार हैं। अब हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं। इसके लिए हमने एक चम्मच तेल लिया, वही जो टिक्का में तेल था वही तेल लिया। वही पैन में हमने प्याज को डाला, प्याज को सौते होने दिया, शिमला मिर्च और टमाटर भी डाल दिया, बंद गोभी डाल दी। इन सबको सौते होने देंगे हाई हीट पर। इसमें हमने नमक काली मिर्च डाला है, जो अंडों में डालने वाला नमक काली मिर्च होता है वो, एक चौथाई चम्मच, और एक चौथाई चम्मच ही सोया सॉस डाला है और एक चौथाई चम्मच ही सिरका डाला है। इन सबको डालकर हमने सब्जियों को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ये ऐसी हों कि जैसे चाउमीन में होती ना कि क्रंची भी हों और गल भी जाएं, ऐसी सब्जियां हमें सौते करना है। बढ़िया से सब्जी सौते हो गई तो जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसी में हमने सब्जियां और ये चिकन को यूज़ डाल लेंगे। चिकन को हम श्रेडेड कर लेंगे, छोटे छोटे चंक्स में इनको तोड़ लेंगे, बहुत छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं और बिल्कुल कीमा जैसा भी नहीं, क्योंकि हमें इसके चंक्स मुंह में आते हुए अच्छे लगेंगे। ये हमारी फ्राइड सब्जियां हैं और ये चिकन है, इन सबको आपस में मिला लेंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार है, चिकन और सब्जियों की फिलिंग मज़ेदार सी तैयार है। इसको हमने रख लिया। यहाँ पर हमने ये कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है। तीन बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर में चुटकी भर नमक और पिसी कुटी लाल मिर्च डालकर पानी डाल के घोल बनाया। ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। अब हम इसके लिए मेयो डिप बना रहे हैं। अलग अलग दो तरह की डिप बना रहे हैं मेयोनीज़ की। हमने एक बड़ा चम्मच मेयोनीज़ लिया, उसमें चुटकी भर कुटी लाल मिर्च डाली है ज़रा सा तीखा फ्लेवर देने के लिए, तंदूरी टाइप का। ज़रा सा चुटकी नमक डाला है, दो चुटकी नमक, और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ये डाल दिए, इससे टैंगी सा टेस्ट आ जाएगा टमाटर का, उसका तंदूरी फ्लेवर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिला देंगे और इसमें हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे, समझिए 2-3 ड्रॉप्स, ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। अच्छी तरह से ये मिला के रख दिया। ये हमारी पहली डिप तैयार है। दूसरी डिप के लिए भी हमने मेयोनीज़ ही ली है। एक बड़ा चम्मच मेयोनीज़ ली है,
एक से दो चम्मच। और इसमें हमने ग्रीन चटनी, जो हरा धनिया, हरी मिर्च, ज़ीरा, लहसुन की चटनी होती है ना, वो ली है। इसमें पुदीना भी नहीं है। और इसमें हमने वही काली मिर्च, नमक डाला है जो अंडों में डालते हैं, और दो तीन ड्रॉप ही हमने इसमें भी सिरका डाला है। ये दोनों हमारे डिप तैयार हो गए। इनको हम पॉकेट्स में लगाएंगे। अब हम जो है ये पॉकेट्स जो बनाए थे, इनको कॉर्नफ्लोर में घोलकर और ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। सारे पॉकेट्स को ऐसे ही करेंगे, कॉर्नफ्लोर में डिप, कॉर्नफ्लोर की सलरी में डिप करके और ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। देखिए कॉर्नफ्लोर की सलरी मैंने कितनी पतली रखी है, क्योंकि मुझे मोटी मोटी कोटिंग पसंद नहीं आती है, इसलिए। इधर हमने लो से मीडियम हीट पर ऑयल को गरम करा, और उसमें हमने तीन बड़े चम्मच ऑयल गरम करा है, और इसमें हमने ब्रेड पॉकेट्स डालकर फ्राई कर लेना। पॉकेट्स सब तरफ से हमें सुनहरे होने तक फ्राई करना है। जब ये खूब सुनहरे क्रिस्पी करारे हो जाएंगे, तब हम इनको निकालेंगे। एक तरफ से सीख गए तो पलट के दूसरी तरफ से सेकेंगे, लेकिन हमें कुरकुरे करारे सेकना है। अच्छी तरह से ये सीख गए, देखिए इनकी आवाज़ सुनिए कुरकुरे बात। और ये अब हम इन्हें निकाल लेंगे, इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे कि काट सकूं, इतना ठंडा हो जाए। फिर हमने इसे बीच में से छुरी से काट देना है। ये देखिए पॉकेट्स की तैयार मिल गई है। सबको काट लिया हमने, सब पॉकेट की तरह हमें मिल गए। अब हम इसमें वही डिप जो हमने मेयोनीज की दोनों तरह की डिप बनाई थी, एक साइड पे एक तरह की डिप, दूसरे साइड पे दूसरी तरह की डिप, और वही चिकन और सब्जियों की फिलिंग रखेंगे। और ये मेरी वही ताज़ी सब्जी है जिसमें खीरा और बंद गोभी, टमाटर था, प्याज थी, उसमें भी मैंने थोड़ी सी दोनों तरह की डिप मिला दी। और इन सब को मिलाकर फिर मैंने पॉकेट्स में भरा है। इससे क्या होगा, ताज़ी सब्जियों की क्रंचीनेस भी आएगी। ऐसे ही हम सारे पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। एक तरफ हरी वाली डिप लगाएंगे, एक तरफ रेड वाली डिप लगाएंगे, और सब्जियों का ये और चिकन का मिक्सचर भर देंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सबको बहुत पसंद आती है। ऐसे ही हमने चौकोर वाले भर दिया। और सब्जियों में आप मेयोनीज और ये सब मिला लें अच्छी तरह से, और खूब टेस्टी हो जाएंगी। और इसे हमने भर दिया, ऐसे ही सारे भर लेंगे। चिकन टिक्का ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं।